हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन। इससे पहले हमने टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और डेटा ट्रांसफर कैसे करता है टीसीपी, ये वीडियोस ऑलरेडी मैंने कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि टॉपिक क्या है। टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ है टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट से, फिर डेटा ट्रांसफर और थर्ड फेज है कनेक्शन टर्मिनेशन। अब देखो, कनेक्शन टर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं तो टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन भी 3 स्टेप है या 4 स्टेप, मतलब आप इसको 3 स्टेप में भी कर सकते हो, 4 स्टेप में भी कर सकते हो। पहले मैं आपको जनरल वे से समझा देता हूं कि टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेट होता कैसे है। लेट सपोज हमारे पास ये क्लाइंट है, सर्वर है, तो सबसे पहले क्लाइंट क्या भेजेगा, क्लाइंट भेजेगा फिन पैकेट, दैट इज कॉल्ड अ फिन। अब फिन पैकेट में होगा क्या, जो फिनिश, जो फिन का मतलब क्या है, एक्चुअली फिनिश है, तो जो फ्लैग है ना फिन, उसको क्या कर देगा, सेट कर देगा, सेट का मतलब 1 कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट सर्वर को कह रहा है आई वॉन्ट टू टर्मिनेट द कनेक्शन। वो क्यों कहेगा, जब डेटा उसके पास खत्म हो गया, जब क्लाइंट के पास कोई डेटा ही नहीं है भेजने के लिए, तो वो क्या करेगा, फिन पैकेट भेज देगा। अब देखो यहां पे समझने के लिए आपको यहां पे ध्यान देना है कि जब वो फिन पैकेट भेजेगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अकेला पैकेट भेजे, मतलब कोई डेटा ना हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि डेटा के साथ वो फिन पैकेट भेज दे। ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, सिंपली अभी आपको जनरल वे से समझा रहा हूं। सबसे पहले क्लाइंट फिन पैकेट भेजेगा, अब इस फिन पैकेट में डेटा भी हो सकता है साथ में, या फिर विदाउट डेटा भी वो सिंपली भेज सकता है कि आई वॉन्ट टू टर्मिनेट द कनेक्शन। अब उस जैसे ही पैकेट पहुंचेगा तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर ने इस पैकेट को रिसीव कर लिया, सर्वर क्या करेगा, सर्वर ने जो भी रिसोर्सेज को रिजर्व किया हुआ है वो सारे रिसोर्सेज को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि जो टीसीपी होता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को रिजर्व कर लो। रिसोर्सेज को रिजर्व करने का मतलब बफर है, बैंडविड्थ है, सीपीयू, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको रिजर्व कर लो। और जैसे ही फिन पैकेट आया, साथ के साथ सर्वर क्या कर देगा, सारे के सारे रिसोर्सेज को फ्री कर देगा। तो फ्री करते ही अब यहां पे इस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाफ क्लोज। हाफ क्लोज का मतलब क्या है कि जो क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट, ये जो फुल डुप्लेक्स जो ट्रांसमिशन था, अब क्लाइंट से सर्वर जो है वो खत्म हो गया। मतलब अब क्लाइंट दोबारा डेटा भेजना चाहे तो नहीं भेज सकता, क्योंकि सर्वर ने रिसोर्सेज को फ्री कर दिया। और रिमेंबर, रिसोर्सेज को फ्री करने का मतलब, ये कनेक्शन को टर्मिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने जो वायर काट दी या हमने जो है लिंक बंद कर दिए, नहीं, वो एज इट इज ही है, वायर एज इट इज है या वायरलेस जो भी मेथड है वो एज इट इज है, हमने सिर्फ रिसोर्सेज को फ्री कर दिया। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लाइंट सर्वर को डेटा भेज सकता है, नहीं अब नहीं भेज सकता। क्या क्लाइंट सर्वर को एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है, हाँ एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्नॉलेजमेंट कहीं पे जाके सेव नहीं होती, वो सिंपली एक बताती है कि हाँ डेटा पहुंच चुका, तो एक्नॉलेजमेंट पहुंच सकती है लेकिन डेटा नहीं पहुंच सकता। अब देखो, अब सर्वर क्या करेगा, एक सिचुएशन है कि सर्वर सबसे पहले भेज देगा कि ठीक है भैया फिन इज इक्वल टू 1 और ACK इज इक्वल टू 1, मतलब कि मेरे पास भी अब कोई डेटा नहीं है, मैं भी कनेक्शन बंद करना चाहता हूं, तो फिन पैकेट को भेज दिया फिन प्लस ACK, इसको बोलते हैं फिन प्लस ACK। ACK क्यों भेजा, ताकि क्लाइंट को पता लग जाए कि मेरा फिन पैकेट पहुंच चुका है। तो देखो दो चीजें होगी यहां पे, एक तो सर्वर ने ये बता दिया कि मैं भी अपना कनेक्शन बंद करना चाहता हूं, और दूसरा ये भी बता दिया कि तेरा पैकेट पहुंच गया। अब क्या करेगा, जो क्लाइंट है, क्लाइंट भी रिसोर्सेज को फ्री कर देगा। तो रिसोर्सेज को फ्री करने का मतलब है ये कनेक्शन भी खत्म हो गया। और इस कनेक्शन को खत्म होने का मतलब क्या है कि सर्वर क्लाइंट को डेटा भेज सकता है, नहीं डेटा नहीं भेज सकता, बट क्या एक्नॉलेजमेंट, हाँ एक्नॉलेजमेंट अभी भी भेज सकता है, क्लाइंट भी भेज सकता है, सर्वर भी भेज सकता है, बट ओनली एक्नॉलेजमेंट। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्लाइंट दोबारा से भेजेगा क्या, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट। क्यों भेजी, एक्नॉलेजमेंट हमें हर एक पैकेट की भेजनी पड़ती है। तो देखो अभी सर्वर ने एक पैकेट भेजा था क्लाइंट को कि मैं भी कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता हूं, तो सर्वर को पता कैसे लगेगा कि क्लाइंट के पास वो पैकेट पहुंच गया, तो फाइनली क्लाइंट ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट को 1 करके भेज दिया। अब जैसे ही ये पैकेट पहुंचा, सर्वर समझ जाएगा कि मेरा पैकेट पहुंच गया, अब फाइनली जो है सारा का सारा कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गया। मतलब फाइनली अब एक्नॉलेजमेंट 1 जैसे ही यहां पे पहुंचा, मतलब ACK 1 का मतलब क्या है कि जो फ्लैग बिट है उसको 1 कर दिया। तो दिस इज हाउ द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड इन 3 स्टेप। अब दूसरा जो मोड है वही जो मैं पहले बता रहा था कि सबसे पहले क्लाइंट ने फिन पैकेट भेजा,
अब सर्वर क्या कर सकता है, सर्वर बोलेगा कि नहीं यार अभी मेरे को नहीं बंद करना, मतलब क्लाइंट से सर्वर वाला हमने रिसोर्सिस को फ्री अप कर दिया, लेकिन अभी सर्वर कह रहा है कि मेरे पास डेटा है मैं भेजना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सर्वर जो है क्लाइंट को क्या भेजेगा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजेगा भैया, क्लाइंट ने तो सर्वर को बोल दिया कि पैकेट मेरे पास आ गया, मतलब फिन पैकेट को वन कर दिया, मतलब मैं चाहता हूं कि कनेक्शन खत्म हो जाए, लेकिन अगर सर्वर भेजेगा ही नहीं कोई पैकेट तो क्लाइंट को पता कैसे लगेगा कि मेरा पैकेट पहुंच गया। तो अभी सर्वर कह रहा है कि ये ठीक है मेरी तरफ से एसी के वन, मतलब कि मैं तेरा जो पैकेट है वो रिसीव कर चुका हूं, लेकिन फिलहाल अभी मैं कनेक्शन नहीं बंद करना चाहता। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है वेट हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए वेट हो जाएगी। अब इस वेट में क्या हो सकता है कि सर्वर अगर डेटा भेजना चाहता है तो भेज सकता है, सर्वर जो भी डेटा भेजना चाहता है भेज सकता है, क्लाइंट नहीं भेज सकता, जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया। अब कुछ देर बाद हो सकता है कि सर्वर फिन पैकेट जो है वो वन कर दे, फिन पैकेट को वन करने का मतलब है वही जो हमने यहां पे किया, और फाइनली जो है क्लाइंट एसी के वन कर देगा, तो इससे भी कनेक्शन टर्मिनेट होगा। बस आपको यही चीज समझ नहीं है कि ये तीन स्टेप में भी हो सकता है चार में, और चार स्टेप का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर सर्वर अभी इच्छा नहीं है सर्वर की कि यार नहीं अभी मैंने बंद नहीं करना मेरे पास डेटा है, तो सर्वर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, प्योर एक्नॉलेजमेंट, ताकि क्लाइंट को पता लग जाए कि मेरा पैकेट पहुंच गया लेकिन अभी कनेक्शन बंद नहीं हुआ, तो कुछ टाइम बाद वो भी फिन पैकेट भेज के अपना कनेक्शन बंद करवा देगा। तो ये बस यहां पे सिर्फ यही डिफरेंस है, इसमें हमने दोनों काम एक ही पैकेट में कर दिए, फिन वन एसी के वन, और यहां हम दो अलग अलग पैकेट में कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज थ्री वे, इट इज फोर वे। अब देखो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, लेट्स सपोज यहां पे क्लाइंट ने 21 से लेके 30 तक, मतलब लेट्स सपोज हमारा जो विंडो साइज है वो 10 बाइट जो है हमने ले लिया, मतलब विंडो साइज जो है वो 10-10 बाइट है, मतलब कि जो क्लाइंट है वो भी 10 बाइट भेज रहा है, सर्वर भी 10 बाइट भेज रहा है, ये मैंने ऑलरेडी टीसीपी डेटा ट्रांसफर में बताया हुआ है। अब मैं बार बार वही चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है, इससे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट पहले देखना, फिर डेटा ट्रांसफर देखना, फिर फाइनली आप कनेक्शन टर्मिनेशन देखना। अब देखो 21 से लेके 30 तक उसने जो है वो डेटा भेज दिया, अब उसने क्या किया, सर्वर ने वो डेटा रिसीव कर लिया और इसने क्या बोला था कि मेरे को 81 से डेटा चाहिए क्योंकि एक्नॉलेजमेंट वैल्यू क्या है 81, तो सर्वर ने क्या किया 81 से लेके 90 तक का डेटा किसको भेज दिया, क्लाइंट को भेज दिया। अब देखो डेटा नॉर्मली ट्रांसफर हो रहा है, अब फाइनली क्लाइंट कह रहा है कि भैया मेरे पास यहां पे अब कोई डेटा नहीं है, आई वांट टू टर्मिनेट द कनेक्शन। अब क्या करेगा ये सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर कौन सा भेजेगा, ये कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा है, 31 एक्सपेक्ट कर रहा है सर्वर, तो ये 31 ही लगा के भेजेगा, मतलब 31 जो सीक्वेंस नंबर है वो कंज्यूम्ड हो जाएगा। अगर डेटा भेजना चाहता है क्लाइंट तो साथ में डेटा भी भेज सकता है, अगर डेटा नहीं है तो खाली सिर्फ सीक्वेंस नंबर 31 भेजेगा, फिन पैकेट को वन कर देगा और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को भी वन कर देगा, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा 90 तक आ गया तो 91 भेज देगा, 91 भेज दिया मतलब इसको पता लग गया सर्वर को कि मेरा पैकेट रिसीव हो गया, और यह भी पता लग गया कि फिन वन का मतलब है कि क्लाइंट चाहता है कि अब पैकेट मतलब अब कनेक्शन टर्मिनेट कर दो, वही जो हमने यहां पे डिस्कस किया ये वाला। तो बस यहां पे ध्यान में रखना कि क्या फिन पैकेट सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है, यस कंज्यूम करता है, मतलब ये 31 अब कंज्यूम हो गया, इसको अब यूटिलाइज नहीं करना। अब देखो सर्वर ने क्या किया, अगर सर्वर वेट करना चाहता है वही जैसे मैंने यहां पे बताया तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, अगर लेट्स सपोज सर्वर नहीं वेट करना चाहता वो क्या करेगा, उसने भी क्या कर दिया, उसने भेज दिया सीक्वेंस नंबर, ये कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा है 91, इसने 91 भेजा था ना कि मेरे को 91 भेजो, उसने क्या किया 91 भेज दिया, फिन पैकेट जो है वो फिन फ्लैग को वन कर दिया, एसी के को वन कर दिया क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पैकेट आ गया, और एसी के नंबर क्या भेज दिया 32 क्यों भेजा, क्योंकि 31 रिसीव कर लिया इसने, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कौन सा है 32, तो 32 भेज दिया। जैसे ही पैकेट आ गया सर क्लाइंट समझ जाएगा कि ठीक है मेरा पैकेट भी पहुंच गया और सर्वर अब कनेक्शन बंद करना चाहता है, तो तीसरा स्टेप क्या था एक्नॉलेजमेंट, बस अब क्या करेगा ये सीक्वेंस नंबर, ऑल्दो ये प्योर एक्नॉलेजमेंट है तो इस केस में अगर हम सीक्वेंस नंबर यूज करते हैं 32
याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 32 हम क्यों लगा के भेज रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कौन सा है, 32, लेकिन ये सीक्वेंस नंबर कंज्यूम्ड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक 31 यूज हो चुका है और इसने 91 कंज्यूम कर लिया, लेकिन ये 32 हम सिर्फ लगा के भेज रहे हैं, इसको कंज्यूम नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जब भी हम कनेक्शन को दोबारा बनाएंगे तो 32 यूज कर लेंगे। कई बुक्स में हो सकता है आपको दोबारा से 31 ही लिखा हो, तो 31 भी लिख सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेड कौन सा 32 है ना, तो नेक्स्ट हमें 32 ही लगा के भेजना पड़ेगा। 32 लगा के हमने एक्नॉलेजमेंट के फ्लैग को 1 कर दिया और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेज दिया, इसने 91 भेजा था, हमने 92 भेज दिया कि ठीक है तुम्हारा पैकेट आ गया, हमने भी कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया। तो फाइनली 3 स्टेप में हमने कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया। बस याद रखना कि ये वाला जब फिन पैकेट हम पहली बार भेजते हैं तो क्या वो सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यस, जब सर्वर भेजेगा फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट वाला तो क्या वो सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करेगा, यस। लेकिन जो थर्ड स्टेप है, क्या थर्ड स्टेप जो एक्नॉलेजमेंट वाला थर्ड स्टेप है, क्या वो भी सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करेगा? नो, वो सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं करेगा, सिर्फ ये दो सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करेंगे। इस तरीके से आप जो है कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड काफी पॉइंट जैसे मैंने यहां पे आपको बताए, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से कोई ना कोई वैल्यूज दी जा सकती हैं, इन वैल्यूज को आपको फिल करना पड़ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है काफी पॉपुलर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम में। थैंक यू।